सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रो एप्लीकेशन में फर्स्ट ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ये आप लोग हमारा म्यूचुअल फंड का यहाँ पे देख सकते हो, एक दिन का रिटर्न 16,000 ये टोटल रिटर्न है, 1,43,000 इन्वेस्टेड है, 6,29,000 करेंट है, 7,73,000। सो गाइज, ये मेरा यहाँ पे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट में है। मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि पहले आप लोग ट्रेडिंग करके कैसे पैसे को अरेंज करोगे, कैसे आप लोग ट्रेडिंग सीखोगे, कैसे फर्स्ट ट्रेड लेना है ग्रो एप्लीकेशन में। पहले आप लोग फर्स्ट ट्रेड लेके 100, 150, 200 लगा के कैसे सीखोगे, आज के इस वीडियो में आप लोग को यही सिखाऊंगा। सो गाइज, आप लोग को इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना है। हम लोग अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे। ये मेरा सेकेंड अकाउंट का यहाँ पे म्यूचुअल फंड का रिटर्न है गाइज। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए गाइज, हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ये देख सकते हो, ये मेरा ग्रो एप्लीकेशन है। इसमें आप लोग ऊपर में देख सकते हो, ये निफ्टी 50 है। साइड में यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी है। इससे हम लोग इंडाइसेस कहते हैं और निफ्टी 50 को इंडेक्स कहते हैं और सेंसेक्स को यहाँ पे जो है इंडेक्स कहते हैं। दो इंडेक्स है हमारा यहाँ पे, निफ्टी 50 को कहते हैं NSE, यहाँ पे ये आता है। और यहाँ में कोई भी शेयर को जैसे हमने सेलेक्ट किया सुजलोन एनर्जी, ओके गाइस, सुजलोन एनर्जी को मैंने सेलेक्ट किया। इसको हमें चार्ट पे देखना है, सुजलोन एनर्जी को यहाँ पे चार्ट पे देखना है। अभी आप लोग के सामने में ये मेरा मोस्ट बाउट ऑन ग्रो एप्लीकेशन में है। यहाँ पे आज जो चार शेयर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे खरीदे गए हैं यहाँ पे, और आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो चार शेयर में आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग सुजलोन एनर्जी या यस बैंक में कैसे ट्रेड लेके आप लोग सीख सकते हो गाइज। वीडियो को एकदम प्लीज़ लास्ट तक देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना है गाइज, ओके। तो वीडियो को आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, प्लीज़ ध्यान से देखना है, हेडफोन ले लेना है अगर एक बिगनर्स हो तो, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए हम लोग कोई भी स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सबसे पहले, ओके गाइज। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक को हम लोग को सर्च कर लेना है। यहाँ पे जस्ट लाइक मुझे यस बैंक यहाँ पे सर्च करना है, तो यस बैंक मैंने सर्च कर लिया। ये मेरा यस बैंक का चार्ट है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये रिट्रेस्ड होके अब ये ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग को यहाँ पे चार्ट को देखना है। यहाँ पे बगल में इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करके यहाँ पे चार्ट को ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओके गाइज। तो हम लोग को यहाँ पे चार्ट को ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हम लोग को पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख लेना है, उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 5 मिनट का आप लोग ऊपर में देख पा रहे हो, तो हम लोग को 15 मिनट कर लेना है, ओके गाइज। हमने 15 मिनट पे कर लिया और सबसे पीछे में आप लोग देख सकते हो दो रिट्रेस्टमेंट है यहाँ पे, एक है वहाँ पे और एक है यहाँ पे जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ओके गाइज। और यहाँ से मार्केट जो है चांस है यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो गाइज, यहाँ पे 2-3 पैसे ऊपर नीचे कर रहा है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं 13 शेयर इसमें बाई करेंगे, ओके गाइज। 13 शेयर इंट्राडे में यहाँ पे बाई करेंगे यहाँ पे आप लोग के सामने में। सो गाइज, ये दोनों इंडेक्स था। इंडेक्स में हम लोग को इंडेक्स के से कोई मतलब नहीं है। सेंसेक्स यहाँ पे 6 इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप लोग को स्टार्टिंग में इसमें नहीं जाना है, पहले इक्विटी ट्रेडिंग सीखना है गाइस। तो हम लोग को इक्विटी ट्रेडिंग सीखने के लिए पहले स्टॉक में करना पड़ेगा इंट्राडे और डिलीवरी में कर सकते हैं। गाइस, यहाँ से हम लोग यहाँ पे अपने आइकन पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा डीमैट अकाउंट है, 63 रुपये। इसमें डिपॉजिट हम लोग 10,000, 20,000 यहाँ पे एड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। एड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जस्ट लाइक मुझे 20,000 ऐड करना है, तो 20,000 के ऑप्शन पे यहाँ पे 20,000 टाइप कर देना है, उसके बाद एड मनी कर देना है, उसके बाद आप लोग को पिन डालना पड़ेगा। सिंपली आप लोग को पिन भी डाल देना है यहीं से, ओके गाइस। तो पिन डाल के आप लोग यहाँ पे एड मनी कर सकते हो, ओके। तो अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, यस बैंक के यहाँ पे शेयर पे जाना है, सर्च करके यस बैंक के ट्रेड को हम लोग को यहाँ पे सर्च कर लेना है, ओके गाइज। तो यस बैंक के यहाँ पे ट्रेड को हम लोग को सर्च कर लेना है और एकदम बेसिक से सीखेंगे, बाय सेल कैसे करना है, कैसे लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे किसी शेयर को बाय करते हैं। टॉप इंट्राडे में 5 स्टॉक सीमोर पर क्लिक करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे जोमेटो, यहाँ पे त्रिवेणी, यहाँ पे टर्बाइन, IRFC HFCL यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से था। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यस बैंक के शेयर को सर्च करना है और यहाँ से आप लोग को यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चार्ट को यहाँ पे देखना नहीं है। हम लोग को यहाँ पे देख सकते हो ये शेयर जो है अचानक से ऊपर गया था, फिर से ये रिट कोई भी चीज़ अचानक से ऊपर जाता है तो वो अचानक ऊपर नहीं जाता, पहले वो ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस्टमेंट होके नीचे आता है, फिर जाके यहाँ पे ये बायर और सेलर का ऑर्डर था, ओके गाइज।
सो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है और उसे आप लोग को यहाँ पे सीखना है, एकदम लर्निंग करना है गाइस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांस है, 24.06 रुपये का भाव चल रहा है अभी। मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से रिट्रेस्ट होकर मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शेयर को बाय करते हैं। ओके गाइज, तो आप लोग को वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक बने रहना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके गाइज, तो बाय के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा और इंट्राडे का ऑप्शन। डिलीवरी में क्या होता है, एक शेयर को लेते हो तो आज लेकर कल बेच सकते हो, परसों बेच सकते हो डिलीवरी में, और इंट्राडे में 9:30 पर लेते हो। ओके गाइज, 9:15 पर लेते हो और उसे 3:20 से पहले आप लोग को बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचते हो तो 69 रुपये का चार्ज लगेगा, जो कि आप लोग को यहाँ पे देना ही पड़ेगा। और डिलीवरी में आप लोग कितना शेयर ले सकते हो पता है, एक शेयर, और इंट्राडे में आप लोग को 5x मार्जिन मिलता है। यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे 25 रुपये वाला स्टॉक 5 रुपये में मिल सकता है आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्जिन के ऑप्शन पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 13 स्टॉक हम लोग को मिल रहा है, और वही हम लोग 2 स्टॉक लेते हैं डिलीवरी में, तो सिर्फ 2 ही स्टॉक बाय कर सकते हैं। सो अभी आप लोग के सामने मैं एग्जांपल में आप लोग को दिखा सकता हूँ, यहाँ पे 2 ही स्टॉक, यहाँ पे 3 भी बाय नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम लोग इंट्राडे करेंगे, तो इंट्राडे में ज़्यादा पैसा बनता है तो ज़्यादा रिस्क भी है, तो हम लोग को इंट्राडे को पहले आप लोग को यहाँ पे सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को करना। जस्ट लाइक यहाँ पे मार्केट मुझे प्राइस लिमिट सेट करना पड़ेगा, जैसे 13-14.06 रुपये का मुझे लगा देना है। ओके गाइस, 24.06 रुपये का मुझे जस्ट लाइक लगाना, या 7 पैसे का, तो 24.06 रुपये मैंने लगा दिया, यहाँ से ये बाइंग हो जाएगा। सो यहाँ पे ओपन ऑर्डर देख सकते हो, यहाँ से जब ये 24.05 रुपये पे आएगा तब जाके ये बाय होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर देख सकते हो ये बाय हो चुका है। अब देख सकते हो 13 पैसे कुछ इस तरह से आप लोग के सामने यहाँ पे प्रॉफिट होगा, 26 पैसे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 1 पैसे ऊपर जाएगा तो 13 पैसे, 1-2 पैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 26 पैसे आप लोग के सामने में यहाँ पे देख सकते हो। यस बैंक का प्रॉफिट चल रहा है मेरा, 13 शेयर आप लोग के सामने हमने बाय किया है, और यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से मेरा प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ऐसे ही आप लोग अगर एक बिगनर्स हो तो छोटे छोटे यहाँ पे 100 रुपये लेके आओ मार्केट में, 1000 रुपये लेके आओ, बस सीखो, 5000 लेके मत आओ, 10000 लेके मत आओ मार्केट में। अगर बिगनर्स हो तो यहाँ पे पहले शेयर को बाय करना सीखो, कैसे वो शेयर नीचे आता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे मार्केट में यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो स्टॉप लॉस लगाना तो इस वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोग एड स्टॉप लॉस पे लगा सकते हो, जैसे मुझे लगाना है एड स्टॉप लॉस। ओके गाइस, तो एड स्टॉप लॉस मुझे लगाना है 24 रुपये का, तो यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना आप लोग को। यहाँ पे 24 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया हमने, यहाँ से 24 रुपये से नीचे मार्केट जाएगा तो यहाँ पे जो है मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। फिलहाल 39 पैसे का प्रॉफिट हो रहा था। ओके गाइस, अभी 26 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है आप लोग के सामने में। सो यहाँ पे देख सकते हो, अब हम लोग को टारगेट कैसे लगाना है, यस बैंक ऑप्शन पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से क्लिक कर दिया। अब मुझे टारगेट जस्ट लाइक मुझे लगाना है 24.09 रुपये का लगाना है, तो 24.09 रुपये का टारगेट मुझे लगाना है, तो आप लोग के सामने में यहाँ पे 24.9 डाल देना है यहाँ पे। ओके गाइज, मैंने डाल दिया 24.09 रुपये सेल हो गया। सो ये सेल ऑर्डर कन्फर्म नहीं हुआ, तो मुझे 8 पैसे पे जस्ट लाइक मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, या 9 पैसे पे ही लगा देता हूँ। ओके, ये सेल ऑर्डर हो गया। ओके गाइज, अब 24.09 रुपये पे जाएगा तब जाके ये सेल होगा। अभी आप लोग के सामने में देख सकते हो ये सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 24.08 रुपये से यहाँ पे 24.09 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है, 24.10 रुपये के ऊपर जाएगा। 1 पैसे ऊपर होगा तब जाके हम लोग का टारगेट एग्जिट होगा, 1 पैसे नीचे जाएगा तब जाके स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके गाइस, तो अभी नहीं हुआ तो हम लोग बाद में इसे यहाँ पे जो है ऑर्डर कैंसिल को यहाँ पे जो है एडिट ऑर्डर भी कर सकते हो। यहाँ पे मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे 24.08 रुपये मुझे लगा देना है जस्ट लाइक डेट। यहाँ पर देख सकते हो 24.08 रुपये मैंने लगा दिया मॉडिफाई सेल, आप लोग के सामने में 26 पैसे अभी प्रॉफिट होगा जैसे ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 26 पैसे मुझे प्रॉफिट हो रहा है आप लोग के सामने में। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, 26 पैसे के प्रॉफिट पे मैंने अपने यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब ये वाले ऑर्डर को कैंसिल कर देना जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। ओके, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 26 पैसे के करीब मुझे यहाँ पे 26 पैसे करीब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कुछ इस तरह से आप लोग ट्रेडिंग में यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो, कुछ इस तरह से लॉस होता है,
तो आप लोग को कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, उसके लिए आप लोग को सीखना पड़ेगा ना गाइज, तो सीखने पे फोकस करो। ओके गाइज।